राज्य में गुजरात के कच्छ जिले में स्थित परवाग नामक एक विस्तार है, वहाँ पर एक बड़ी सी शक्तिपीठ से जानी जाती माँ मुंबई माँ और मोरागढ़ धाम, वहाँ पर आज हम दर्शन करने के लिए आपको ये लाइव प्रसारण में ले जाने वाले हैं। और कहा जाता है कि वो मुंबई माँ उसकी छांटड़ी है, वो सभी एक यहाँ पर रबारी जाती है, वहाँ सभी घर में उनकी फ़ोटो रखी जाती है और आस्था से भाव से श्रद्धा से उनकी पूजा की जाती है। और यहाँ पर जे झाड़ेजा नामक जाति है वो भी माताजी मुंबई को अपनी इष्ट देवी मानते हैं और यहाँ पर बहुत श्रद्धा विश्वास रखते हैं सभी लोग और माताजी को भाव से विश्वास से श्रद्धा से मानते हैं और उनकी मन्नत पूरी होती है। तो और हिंदुओं के साथ में देवी भी मानी जाती है माँ मुंबई, वहाँ पर आज हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो चलो मेरे ये वीडियो में आप जुड़े रहो, माँ मुंबई का दर्शन हम करेंगे ये वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं गणपत सिंह राजपूत और आज हम गुजरात के कच्छ में स्थित रापर और रापर से 20 से 22 किमी दूर मोरागढ़ मुंबई मोरा, वहां पर आज हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और माँ मुंबई एक अक्षत्रिय हिंदुओं की देवी भी कही जाती है और कच्छ के और रबारी के घर पे माँ मुंबई की सभी रखी जाती है, वहां पर हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हमारी ये वीडियो में जुड़े रहो। कच्छ के वागड़ विस्तार में माँ मुंबई का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, वागड़ नामक प्रदेश में आज दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो जुड़े रहो हमारे वीडियो के साथ अंत तक। जय माता जी। जय
मोरागढ़ की बाजार है। माता जी का मंदिर है, अभी हम दर्शन करने के लिए जाने वाले हैं, तो जुड़े रहो हमारी ये चैनल में। यहाँ पर एक आस्था वाला धाम माँ मुंबई का, यहाँ पर मैं पहुँचाया हूँ। ये माँ मुंबई का पुराणिक मंदिर है और ये एक शक्ति के रूप में पूजी जाती है। माँ मुंबई पूरे भारतवर्ष में भी पूजी जाती है। उनका नाम यहाँ पर कहा जाता है कि देवताओं भी आए थे। पर आज हम पहुंचे हैं वहां की ये प्रसिद्ध दुकान है, इसका नाम है मुंबई माँ मुंबई नोएंटी। यहाँ पर प्रसिद्ध एक दुकान है और काफ़ी सारी यहाँ पर फोटो लगी है और प्रसिद्ध है पूरे जग में। यहाँ पर आसपास के लोग और घरों में भी ये माँ माता जी की सभी रखते हैं। जे रबारी जाति के लोग हैं वो घर में भी सभी रखते हैं और यहाँ की माँ आइटम झूमना झरमर और ये सभी प्रसिद्ध चीज़ें हैं, आप देख सकते हो। यहाँ आओ तो ये लेने के लिए आप जरूर आना। માતાજીનું એક પ્રસિદ્ધ જૂનું તળાવ છે, એ હંમેશા પાણીથી સલગતું રહે છે અને પક્ષીઓ અહીંયા પર કિલોડ કરતા રહે છે। તમે જોઈ શકો છો યા કણે કુંજ આવીને અત્યારે આપણને એવું વાતાવરણ ઊભું કરે છે કે હંમેશના માટે જ્યાં